Good afternoon, students. So let us start the new lesson of social studies. That is lesson 7. I love my family. देखिए ये love word इतना प्यारा है. इसका मतलब हम लोग अपने family से बहुत प्यार करते हैं. Isn't it? तो जैसे सबको पता है हम लोग सब family में रहते हैं. Like we love our family. We love to play with them. We love to enjoy time spending with them. Isn't it? इसका मतलब हम लोग सब लोग family में रहते हैं और हम लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. तो इसी तरह इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग अपने फैमिली के साथ वक्त बढ़ाते हैं, प्लस स्मॉल फैमिली के बारे में, बिग फैमिली के बारे में और जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. देखिए बेटा, कोई भी फेस्टिवल जब हमको सेलिब्रेट करना रहता है तो हम लोग फेस्टिवल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होते हैं, उनके साथ हम लोग मिल के एंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे का हेल्प लेते हैं. तो उस तरह से हम लोग अपने फीलिंग्स इमोशन को शेयर करके फैमिली के साथ फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल लिविंग टुगेदर. तो एक फैमिली में बहुत लोग रहते हैं, एक दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसको कहते हैं फैमिली. हिंदी में कहते हैं परिवार. ओके, तो परिवार में बहुत एंजॉयमेंट होता है, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है लेकिन बहुत एंजॉयमेंट भी होता है. तो आप लोग सबको फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी फैमिली के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. अगर देखिए बेटा, अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाओगे तो वहाँ आप लोग अकेले रहेंगे, किसी से अपनी फीलिंग इमोशन को शेयर नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर आप बीमार हो जाएंगे, कोई आपका केयर करने वाला भी नहीं रहेगा, तो अकेले रहने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. वेरस फैमिली जो है आपका केयरफुल केयर बहुत अच्छे से करेंगे. तो आज हम लोग इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फैमिलीज पढ़ेंगे. पहला है स्मॉल फैमिली, सेकंड बिग फैमिली, थर्ड इज जॉइंट फैमिली. अब स्मॉल फैमिली क्या होता है? स्मॉल फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, वी कैन से पेरेंट्स मतलब फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रंस. तो एक छोटे परिवार में बस मम्मी पापा और उनके बच्चे ही होते हैं. यहाँ पर कोई दादी दादा नहीं, अंकल आंटी नहीं, मामा मामी नहीं, कोई नहीं रहता. छोटे परिवार में बस एक फैमिली होता है, मम्मी पापा और उनके बच्चे. जैसे आप लोग भी सब बाहर रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ में, तो आपकी फैमिली स्मॉल. लेकिन अगर आप लोग घर जा रहे हैं तो आपके घर में दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, अंकल आंटी, भाभी भैया, बहुत लोग रहते हैं, तो उसको कहते हैं लार्ज फैमिली, राइट? तो अभी हम लोग सेकेंड देखेंगे, बिग फैमिली. बिग फैमिली में क्या होता है कि बिग फैमिली में मम्मी पापा और उनके साथ दादा दादी रहते हैं. जैसे आपके मम्मी पापा और आपके मम्मी पापा के, आपके पापा के मम्मी पापा, इज़न्ट इट? मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, तो उस फैमिली में पापा मम्मी और उनके बच्चे प्लस पापा के भी मम्मी पापा रहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग बिग फैमिली, बड़ा परिवार. अब जॉइंट फैमिली क्या होता है कि जॉइंट फैमिली बहुत बड़ा परिवार होता है. जैसे कि आपके दादा दादी, पापा मम्मी, आपके पापा मम्मी, आपके उनके बच्चे, नेक्स्ट अंकल आंटी उनके भी बच्चे, बड़े पापा बड़ी मम्मी उनके भी बच्चे. तो ऐसे करके जॉइंट फैमिली में 15-20 लोग हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं. तो उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंड जॉइंट फैमिली, या तो उसको और कह सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब और भी लंबा परिवार. ओके, तो ये इस मेंबर में या तो जॉइंट फैमिली में कि बहुत लोग एक साथ रहते हैं और वो लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं और काम मिलजुल के करते हैं, कोई फेस्टिवल्स को भी अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं. तो जॉइंट फैमिली इज एक्सटेंडेड फैमिली इन विच मैनी पीपल स्टे टुगेदर, दे डू देयर वर्क्स, दे एंजॉय. ओके, तो आज मैंने आप लोगों को फैमिलीज के बारे में बताया. नेक्स्ट हम लोग रोल ऑफ फैमिली इन द मेंबर, रोल ऑफ फैमिली मेंबर इन द फैमिली पढ़ेंगे. किसका